मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हमने बनाई है KFC स्टाइल चिकन धर्म स्टिक। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रंची होती है और अंदर से जूसी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। KFC स्टाइल चिकन बनाने के लिए मैंने 4 लेग पीस लिए। इसमें हम कट लगाएंगे। इसको मैंने अच्छे से धो लिया, इसका सारा पानी सुखा लिया। इस तरह से इसमें कट लगाएं, ये देखिए। हमने इसमें कट लगा लिए। अब 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक ये डालेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस है ये डालेंगे। 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास प्याज का पाउडर अवेलेबल हो तो आप प्याज का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पेरी पेरी मसाला डालेंगे। ये देखिए, ये पाउच मिलते हैं पेरी पेरी मसाला के, अगर आपके पास ये हो तो ये डालें, और अगर मैजिक मसाला हो मैगी का तो ये डालें, और अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो आप 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। लगभग 1 टीस्पून जितना पेरी पेरी पाउडर डालेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना। मसाला हमने सब में अच्छे से मिला लिया। अब हम इसे ढक के 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख छोड़ेंगे। मैरिनेट हुए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके। आप चाहें तो पूरी रात भी इसको मैरिनेट करने के लिए रख छोड़ते। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल भर लिया। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें 2 अंडे डालेंगे फोड़ के। अंडों में थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है ये डालेंगे, और 1 टेबल स्पून मैदा है ये डाल देंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना। अंडे का हमने एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लिया। अब हम इसको साइड में रख देंगे। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लिया। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, मैदे को छान के डालेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून ही नमक डालेंगे। ये मेरे पास गार्लिक चटनी है, सूखी वाली चटनी आती है, ये मेरे पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल नहीं है अभी, इसके लिए मैं ये सूखी वाली चटनी डाल रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर हो तो उसके साथ थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और या फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दें और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालें। ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसे डालने से जो KFC स्टाइल चिकन है उसकी ऊपर की परत का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वो फीकी फीकी नहीं लगती है। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक चिकन का पीस उठाएंगे। ये मैंने 4 लेग पीस लिए, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सर में डालेंगे। इसको अच्छे से कोट कर लें। एक्स्ट्रा का जो मैदा है वो उसे झाड़ दें, ये देखिए। अब हम अंडे वाले मिक्सर में इसको डालेंगे। वापस से मैदे वाले मिक्सर में डाल के इसको अच्छे से कोट करें। देखिए, हाथों में इस तरह से मैदा और कॉर्नफ्लोर को उठा उठा के इसके ऊपर कोट करते जाएं और इसको पीस को गोल गोल घुमाते जाएं। अब हम इसे हल्के हल्के रब करना, ये देखिए, उठा उठा के रब करें। इससे चिकन के ऊपर जो क्रैम्प्स है वो बहुत अच्छे पड़ेंगे। अब एक्स्ट्रा का मैदा है उसको झाड़ लें, इस तरह से करके झाड़ें। ऑयल मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 पीस डालेंगे। ध्यान रखना आपका पीस एकदम डीप होना चाहिए ऑयल के अंदर। ये देखिए, गैस का फ्लेम हमने अभी मीडियम रखा है, 2 मिनट बाद ही हम इसे स्लो करेंगे। एक दूसरा पीस भी उठाएंगे, अंडे में डीप करेंगे और फिर से मैदे के अंदर कोट कर लेंगे। इसको भी गर्म ऑयल में डाल देंगे। अगर आपको इसको क्रिस्पी बनाना हो तो ऑयल तो लेग पीस ऑयल के अंदर पूरे डीप होने चाहिए, बिल्कुल भी थोड़ी सी तेल में से आप फ्राई ना करें। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे 8 से 10 मिनट पकाना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और उसकी ऊपर की परत है वो एकदम से क्रिस्पी हो जाए। इसको आप उलट पलट के फ्राई करते रहें।
8-10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमने सारा चिकन फ्राई कर लिया, कितना बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर ये कितने अच्छे क्रैम्प्स आए, इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से कितना क्रंची है और अंदर से एकदम जूसी है। ये अंदर तक गल चुका, ये देखिए बहुत गर्म है ये। कितने बढ़िया इसके क्रंचीनेस है, इसमें कितना कुरकुरा लग रहा है ये देखिए एकदम जूसी अंदर से, कितना परफेक्ट रूप से ये गल चुका है। ये देखिए आप इसके स्टाइल चिकन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, इसका स्वाद भी आपको अलग लगेगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। आपको मुझसे कोई रेसिपी बनानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।